प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आके लगातार झूठ बोल रही थी, लेकिन 100 झूठों में एक तो सच बोला कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी अमेठी का विकास नहीं किया। कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं है। जब श्रीमान बंटाधार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब मध्य प्रदेश को न तबाह और बर्बाद कर दिया था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, चारों तरफ केवल हाहाकार था। तो प्रियंका जी ने ये तो सच स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस विकास नहीं करती, विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। प्रियंका जी, इस सच को बताने के लिए आपको धन्यवाद। और ये भी मानो कि विकास करके मध्य प्रदेश को आज देश के अग्रणी राज्यों की पात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया है। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ और उनके बीच में सब सही है, बीजेपी भ्रम फैला रही है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने कब कहा कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में अनबन है? आप ट्वीट करके बता रहे हो कि अनबन नहीं है, भाजपा भ्रम फैला रही है। भाजपा भ्रम क्यों फैलाएगी? जनता देख रही है, टिकट वितरण को लेके अनबन हुई और कमलनाथ जी ने खुलेआम कहा कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन के फाड़ो, ये तो सबने सुना है। अब आप हंसी मजाक हास परिहास में उसको नहीं ले जा सकते। सच यही है कि कांग्रेस में कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है। कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी टिकट बांट देते हैं छिंदवाड़ा के, और बाद में फिर कांग्रेस कमेटी उसको अप्रूव करती है। तो वर्चस्व की लड़ाई और बेटों को स्थापित करने की लड़ाई, ये तो जग जाहिर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आई? अब अपनी झेप मिटाने के लिए ऊपर से पॉलिश कर रहे हो कि भाजपा भ्रम फैला रही है। कमलनाथ जी भी कुछ भी कहते रहते हैं, कह दिया भाजपा को बेरोजगार कर दो। अरे, हमारे लिए राजनीति कोई रोजगार का माध्यम थोड़ी है। राजनीति हमारा धंधा नहीं है कमलनाथ जी, हम रोजगार के लिए राजनीति ही करते हैं। रोजगार के लिए राजनीति करते होगे तो आप करते होगे। आप कॉरपोरेट जगत से आते हैं, आप अरबपति हैं, आप सेठ हैं, आपका काम करने का स्टाइल अलग है, जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप गांव में नहीं गए कभी, गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, जनता जनता से आपका कोई वास्ता। अरे, प्राकृतिक आपदा भी आप आती है तो कहते मैं वहां नहीं जाता, और मैं अगर जाता था तो कहते थे ये टूरिज्म कर रहे हैं, ओला टूरिज्म, इस तरह की तो ये बात करते हैं। तो ये राजनीति रोजगार का माध्यम आपके लिए होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा का साधन है। हम सेवा के लिए राजनीति करते हैं।